सिंगरौली में लगातार हो रही लूट और चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे और अपराधियों के हौसले बुलंद। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चोरों को अपनी हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। सिंगरौली में लगातार लूट और चोरी की वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। आए दिन अपराधी किसी का फोन लूट रहे थे तो किसी की मोटरसाइकिल ही चोरी हो जाती थी। लोगों को आस थी कि पुलिस चोरों को पकड़े। बैढ़न पुलिस ने सूरज, साकेत, संजय नाम के तीन युवक को हिरासत में ले लिया है। इन तीनों के पास से लूट के चार मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसके साथ पुलिस ने एक बदमाश को तमंचा और चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी आरोपियों का अपराध की दुनिया में बड़ा रिकॉर्ड रहा है। इलाके के लगभग हर थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज है। अभी 19 तारीख को हमारे यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि एक दिन में चार मोबाइल स्नेचिंग की घटना हुई है। तो उक्त स्नेचिंग की घटनाओं पर हमने तत्काल जो है पुलिस ने एक्शन लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी बात बताई, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए। उस दिशा निर्देश के तहत हम लोगों ने काम किया। इस पर से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन से जानकारी प्राप्त हुई कि तीन लड़के, जिसमें से एक का नाम सूरज साहू, एक का नाम सूरज और तीसरा ही संजय करके है, संजय साकेत, सूरज साकेत, ये तीनों जो है मोबाइल स्नेचिंग की घटनाएं कर रहे हैं। वो सूचना पर हम लोगों को पकड़ा तो इन पर तीन मोबाइल प्लस एक एक्स्ट्रा मोबाइल भी मिला है। वो एक्स्ट्रा जो मोबाइल मिला है वो भी कहीं रूट का है, उनको हम उसका पता लगा रहे हैं इसकी रूट का है। इसके अलावा एक CT 100 गाड़ी बरामद हुई है। मोबाइल की कीमत करीब 1.25 लाख रुपये है। और इसके अतिरिक्त एक अरहम उर्फ तमंचा, एक बदमाश को पकड़ा है, जिस पर कि एक 315 बोर का कट्टा और दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। एक पल्सर है जो कि अभी हाल में ही हमारे यहाँ से चोरी हुई थी और एक स्कूटी भी बरामद हुई। जो मोबाइल स्नेचिंग की घटना हुई है इसमें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम ने लग के इसमें काम किया, जिससे कि ये चारों मोबाइल हमारे स्नेचिंग वाले मिल गए हैं। और ये दूसरी जो घटना है 25-27 वाली, इसमें भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों जो आरोपी हैं काफ़ी बृहद आपराधिक रिकॉर्ड है इनका, और लगभग जिले के प्रत्येक कई थानों में इनका लगभग एक दर्जन अपराध दर्ज है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।